गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजहर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ परफेक्ट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसमें पढ़ाता हूँ, तो उसी पेपर को पढ़ाने के क्रम में आज हम जो है ना देखने वाले हैं अपना प्लान लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बात कर लें प्लान लेआउट की। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या स्टूडेंट्स? प्लान लेआउट, है ना। आज का हमारा टॉपिक है प्लान लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो है ना प्लान लेआउट से जो है ना उतना ज़्यादा है ना मुखातिब नहीं होंगे, उतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर व्हाट इज़ द मीनिंग, है ना। तो प्लान, इसमें एक वर्ड है प्लान, दूसरा है लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लान, वाई सो प्लान क्यों करते हैं हम लोग, वाई प्लान, और किसका प्लान? सो लेआउट, लेआउट मींस व्हाट? स्केच, है ना। तो लेआउट मींस व्हाट? स्केच और फाइनल अरेंजमेंट, उसको भी हम लेआउट कह सकते हैं, फाइनल अरेंजमेंट। ओके, सो स्केच और फाइनल, किसका स्केच? मेरा स्केच क्या है? नहीं, आपका क्या? नहीं, स्केच होगा आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग का। ओके, सो उसके पीछे प्लान क्यों? सो प्लान गिव्स अस व्हाट? सो प्लान गिव्स अस परफेक्शन। क्या मैं परफेक्शन इन वर्क? प्लान गिव्स अस परफेक्शन इन वर्क। ओके, इजी एग्जीक्यूशन और व्हाट? लेस मिस्टेक्स, है नहीं, और एक्सेट्रा। सो प्लान लेआउट मीन्स स्टूडेंट्स अ प्लान ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑन अ व्हाइट पेपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स अस परफेक्शन इन वर्क, इज एग्जीक्यूशन, लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। सो दिस इज नोन एज प्लान लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप प्लान लेआउट समझ पाए होंगे। इसे मैं आपको जो है ना मॉक डिफाइन कर देता हूं क्या है प्लान लेआउट। सो प्लान लेआउट are the simple and symbolic representation drawn on a white paper. Okay, it is a planning key. Plan layout is a planning key to any successful project. Okay, उम्मीद है आप plan layout समझ पाए होंगे, ठीक है। आपको मैंने definition भी बताया plan layout का, but ये प्लान लेआउट तो आप समझ गए हो, डेफिनेशन भी समझ गए हो, हाउ टू ड्रॉ, हाउ वन कैन ड्रॉ अ प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान। सो यू शुड हैव सम आइडियाज टू ड्रॉ अ प्लान लेआउट। व्हाट आइडियाज? लेट डिस्कस ऑफ ड्रॉइंग प्लान लेआउट। एक प्लान लेआउट को ड्रॉ करने के लिए वन कैन हैव हाउ मच आइडियाज? क्या आइडियाज होने चाहिए स्टूडेंट्स? सो यू शुड हैव आइडिया ऑफ पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट। सो सिंपली मैं सिर्फ पोजिशनिंग लिख दे रहा हूं, पोजिशनिंग, चलो लिख देता हूं, ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट क्या है स्टूडेंट्स? सो बल्ब, ट्यूब, सब सर्किट, स्विच बोर्ड, फैन, लाइट सोर्सेस, उन्हें कहां पोजीशन करोगे? तभी तो प्लान ड्रॉ करोगे भाई। सो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ पोजीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेबल एट
डिफरेंट प्लेस। अगर एक बंदे के पास ये नॉलेज ही नहीं है कि किचन में क्या इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड होना चाहिए, बाथरूम में क्या इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए, बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, है कि नहीं, गैराज में, अगर उसके पास ये आइडिया ही नहीं है स्टूडेंट्स कि इल्यूमिनेशन लेवल क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो वो कैसे प्लान लेआउट ड्रॉ करेगा? क्योंकि उसे प्लान लेआउट में डिजाइन करने हैं, लाइट सोर्सेस प्रोवाइड कराने हैं, 2-3 कराए, 4 कराए, कैसे कराएगा जब इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड नहीं है पता उसे? तो अगर उसे इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड रहेगा तो प्लान ड्रॉ करने समय जितना भी उसे रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वो लाइटिंग अरेंजमेंट करेगा। अच्छा, और क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए स्टूडेंट्स? तो आपको है ना आईई रूल्स के बारे में भी पता होने चाहिए, नॉलेज ऑफ आईई रूल। कैसा आई रूल? रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो जो आईई रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और क्या होने चाहिए? वन कैन हैव सम आइडियाज। और क्या आइडिया होने चाहिए कि किसी को अगर प्लान लेआउट ड्रॉ करना है तो और कुछ आइडिया नहीं होना चाहिए भाई, थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी, थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलो एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा, बट आपको जो है ना कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखना होगा। सो नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। आपके कस्टमर ने अगर कहा है कि मुझे बैडमिंटन कोर्ट एक बाहर में है उसके लिए भी लाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए तो आपको वैसा करना होगा। आपके कस्टमर को डाइनिंग रूम में ज़्यादा इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड है तो आपको वो प्रोवाइड कराना होगा। आपके कस्टमर को अगर है ना बेडरूम में कम इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड अगर चाहिए कल तो आपको प्रोवाइड कराना होगा, तो आपको इसको भी फुलफिल करना होगा, ठीक है। चलो ये सारी बात तो समझ में आती है स्टूडेंट्स, पोजिशनिंग को थोड़ा सा और एलिब्रेट में कर देता हूँ। पोजिशनिंग किस किस चीज का पोजिशनिंग भाई? तो पोजिशनिंग ऑफ मेन बोर्ड आना चाहिए आपको, कि मेन बोर्ड आप कहां पोजिशन करोगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स पे भी। अच्छा, पोजिशनिंग ऑफ मेन बोर्ड अगर आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो पोजिशनिंग ऑफ मेन बोर्ड के बाद आपको आना चाहिए और भी पोजिशनिंग ऑफ स्विचेस एंड सॉकेट्स। स्विचेस सॉकेट्स कहां लगाओगे आप, इसका भी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अगर स्विचेस सॉकेट का पोजीशन पता है तो आपको जो है ना हाइट ऑफ लैंप, ठीक है, जो आप बत्ती जो बल्ब लगाते हो, हाइट ऑफ लैंप एंड साइज ऑफ लैंप पते होने चाहिए आपको, साइज ऑफ लैंप एंड फैन भी ले लो साथ में, ये सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्लान लेआउट ड्रॉ कर सकते हो। प्लान लेआउट के ऊपर बात हो रही है हमारी, है ना। और क्या होना चाहिए? तो और आपको जो है ना हॉरिजॉन्टल रन कितने पे होता है इसका आइडिया भी होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल रन के बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। चलो, तो ऑल अबाउट इतना भी जो है ना आप क्या कर सकते हो, एक प्लान लेआउट को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं ये लिख दे रहा हूं, बातें हम अभी तुरंत करेंगे, इसके बारे में एलिब्रेशन करेंगे तुरंत, ठीक है। तो चूंकि मैं आपको यहां पर प्लान लेआउट के बारे में बता रहा हूं स्टूडेंट्स, है ना, मैंने प्लान लेआउट को डिस्क्राइब भी कर दिया, क्या है प्लान लेआउट। सो प्लान लेआउट आर द सिंपल इमेजेस एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑन अ व्हाइट पेजेस ऑन अ व्हाइट पेपर, ठीक है। और एंड इट इज अ प्लानिंग की टू एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, दिस इज प्लान लेआउट। प्लान नहीं रहेगा तो कैसे वर्क एग्जीक्यूट करेंगे भाई? खीर बनाते हैं तो प्लान करते हैं ना पहले, इतना चावल ले, उतना ये ले, अच्छा चीनी मिस हो गया तब प्लान नहीं ठीक है, ठीक से हुआ था हमारा, है ना। सो किसी भी वर्क के लिए प्लान करते हैं, डेफिनेटली वायरिंग के लिए भी हम लोग एक प्लान लेआउट तैयार करते हैं ना, कि ये रूम है तो इसमें क्या क्या करने वाले हैं,
कुछ बल्ब प्रोवाइड करने वाले हैं, तो कहां पे करेंगे? उसका आइडिया होना चाहिए आपको, कहां पे करेंगे? वायरिंग करेंगे इसमें तो मेन बोर्ड लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे? नहीं है आइडिया तो कैसे होगा? सो हैव आइडिया, आई एम गिविंग यू आइडिया, है ना? सो आइए स्टूडेंट्स बात करें यहां पर प्लान लेआउट के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पोजिशनिंग के बारे में। आपको पोजिशनिंग में मेन बोर्ड कम से कम, दीज आर बेसिक्स, इसके अलावा एडवांस में और बहुत कुछ आपको आइडिया होने चाहिए, बट दीज आर बेसिक्स। पोजिशनिंग में आपको मेन बोर्ड का पोजिशन पता होना चाहिए कि कहां लगाते हैं, स्विचेस एंड सॉकेट्स का पोजिशन पता होना चाहिए कहां लगाते हैं, हाइट ऑफ लैंप, हाइट ऑफ फैन, साइज ऑफ लैंप, साइज ऑफ फैन, ये सब पता होने चाहिए, तभी तो आप उसका नंबर डिसाइड कर सकोगे। और हाइट ऑफ लैंप, हाइट ऑफ फैन अगर सही जगह रखोगे तभी तो जमीन में चक्री जलेबी नहीं बनेगा, बताऊंगा कैसे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रन के बारे में वगैरह में आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे चल रहे हो, कंड्यूट को लेकर चल रहे हो, बीच में दरवाजा आ जाएगा, कैसे दरवाजा में ले जाओगे? सो इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर इल्यूमिनेशन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्लेसेस में कितना इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होता है, नॉलेज ऑफ सम आईई रूल्स होने चाहिए पता आपको, एंड यू शुड हैव कंसिडर्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कस्टमर। ओके स्टूडेंट्स, तो पोजिशनिंग में अगर मैं बात करूं मेन बोर्ड का, कि मेन बोर्ड का पोजिशन आपको कहां रखना चाहिए स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर आपका जो है ना, आपका आपके घर के पास जहां पे ही सप्लाई सर्विस केबल आकर एंटर करता है, सर्विस केबल समझ रहे हो ना आप, दिस इज नोन एज सर्विस केबल। सर्विस लाइन से जो आपने सर्विस लाइन लिया, सर्विस केबल जहां पे एंटर करता है वहीं पे मेन बोर्ड होना चाहिए। दिस इज योर मेन बोर्ड, है कि नहीं? दिस इज योर मेन बोर्ड, तो जहां पे सर्विस केबल आके एंटर किया वहीं पे मेन बोर्ड होना चाहिए आपका। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ योर मेन बोर्ड। आप मेन बोर्ड को एक रूम के अंदर तो नहीं लगा सकते हो, एक बेडरूम में तो नहीं लगा सकते हो? आप मुझसे कहोगे नहीं सर लगा भी सकते हैं, काहे नहीं लगा सकते हैं? तो मैं कहूंगा डेफिनेटली लगा सकते हो, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्टूडेंट्स। मान लो आपके घर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, तो आप मेन बोर्ड से जाओगे ना पावर ऑफ करने के लिए। अब मान लो वो बेडरूम में जो है ना लोग आराम कर रहे हैं, तो घर में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया है, हो सकता है फायर का चांसेस हो, तो जाके ठकठकाते रहोगे उनका रूम आप, प्रॉब्लम है। इसलिए स्टूडेंट्स मेन बोर्ड को हम लोग कहां कर लगाएंगे? एंट्रिंग ऑफ सर्विस केबल। और सर्विस केबल कहां पर हम लोग लगाते हैं? ये जो सर्विस केबल लेते हैं हम लोग, पावर जैसे ड्रॉ करते हैं, थर्ड पार्टी से पावर परचेस करते हैं, तो सर्विस केबल के थ्रू पावर लेते हैं। और इसको कहां लेते हैं? मेनली आउटसाइड ऑफ द हाउस, या घर का बरामदा है तो बरामदे में लेते हैं सर्विस लाइन हम लोग। आपके घर में भी सर्विस लाइन का सर्विस केबल आया होगा, आप लोगों ने भी मेन बोर्ड इंस्टॉल करवाया होगा अपने अपने घर में। जरा दिमाग को फिराइए, जरा दिमाग को घर में ले जाइए, और अगर आपने जिस लॉज में रूम में रहते हो तो वहां भी देख सकते हो आप, तो सर्विस केबल क्या आपके रूम में है? नेवर। सर्विस केबल कहां है? एंट्रिंग ऑफ द हाउस है, हाउस जहां पे एंटर कर रहे हैं वहीं पे कहीं सर्विस केबल आया हुआ है, वहीं पे मेन बोर्ड इंस्टॉल्ड है। और मेन बोर्ड का इंस्टॉलेशन कैसे जगह पहुंची? जहां पे सभी कोई का रीच हो, सभी कोई वहां पर पहुंच सके, वहां पे मेन बोर्ड का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। मेन बोर्ड में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स? तो मेन बोर्ड में आपका एनर्जी मीटर आता है, और मेन फ्यूज बॉक्स आता है ना, ये दोनों मिलकर आपके मेन बोर्ड कहलाते हैं। ठीक है, हाइट क्या रखते हैं स्टूडेंट्स का जमीन से? तो अमूमन इसका हाइट जो ना हम लोग 1.5 और अबव रखते हैं। ठीक है, जो सर्विस बोर्ड का हाइट रखते हैं 1.5 फ्रॉम फ्लोर, 1.5 फ्रॉम फ्लोर, फ्लोर से 1.5 मीटर के हाइट पर रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मेन बोर्ड। उम्मीद है आप मेन बोर्ड के पोजीशन को समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए बात करें पोजीशन ऑफ स्विचेस एंड सॉकेट्स। स्विचेस और सॉकेट्स का पोजीशन कहां करेंगे? मान लो आपका एक रूम है, उस रूम में आपको स्विचबोर्ड इंस्टॉल करने हैं। स्विचेस और सॉकेट्स कहां होते हैं? स्विचबोर्ड में होते हैं, तो स्विचबोर्ड इंस्टॉल करने हैं, तो कहां करोगे इंस्टॉल? तो इस रूम के वो लास्ट वाले कोने में करेंगे। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते,
हाँ करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, बट रूल ऐसा नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, रूल क्या है? तो रूल ये है कि जो भी हम स्विच बोर्ड इंस्टॉल करते हैं नियर द एंट्रेंस करते हैं या नियर द डोर करते हैं। ठीक है, इसको आप फिर से अपने जहन को घुमाकर पता कर सकते हो या जिस रूम में आप बैठे हो वहां पर अपने नजरों को मोड़कर घुमाकर आप देख सकते हो कि जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो वहीं पे स्विच बोर्ड लगाया हुआ, और अगर नहीं लगाया हुआ है तो आपका इलेक्ट्रिशियन बेकार है, जिसने भी वायरिंग किया है उसके पास नॉलेज नहीं है, और लगाया है तो अच्छी बात है। क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि मान लो हमें घर से बाहर जाना है और स्विच बोर्ड अगर हमने उस कोने में लगा रखा है तो पावर सेव करते ना हम लोग, हमारा एनर्जी मीटर में बिल आते रहता है ना, तो घर से बाहर जाने से पहले क्या करते हैं, पावर को, स्विच को, लाइट को ऑफ करते हैं, फैन को ऑफ कर देते हैं, है कि नहीं, सॉकेट में जो कुछ अगर चार्ज में लगा हो तो उसको ऑफ कर देते हैं, तब घर से बाहर जाते हैं। तो मान लो उस कोने में जाकर आप ऑफ करोगे और कोने से आप अपने गेट तक आओगे तब तो अंधेरे में आपको चलना पड़ेगा, रूम मान लो आपका अंधेरा हो गया तो अंधेरे में चलना दुश्वारी है ना, पैर फिसल गया या किसी पे टक्कर खा के गिर सकते हो। सिमिलरली चलो किसी तरह आपने बंद करके कर भी लिया और बाहर चले भी गए, अब बाहर से जब आप आते हो रूम में एंटर करते हो तो रूम है अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब उस रूम में आपको एंटर कर, अब उस रूम में आपको उजाले की जरूरत है, एक तो घर बाहर से अंदर आए हो कॉर्निया का साइज वो छोटा हो गया है ना, ऐसे ही आंख एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप सा लग रहा है, क्या करोगे? उतने दूर कोने में जाकर लाइट ऑन करोगे और कोने में जाते जाते तक पलंग के एक साइड से टकरा कर गिर गए और पलंग के कॉर्नर से हमें चोट लगे और हमें सर फूट सकता है कि नहीं फूट सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम लोग लाइट या स्विचेस जितने हैं सॉकेट्स जितने हैं उसका जो लोकेशन तय करते हैं नियर द एंट्रेंस ऑफ ए रूम और एनीवेयर एट एंट्रेंस पे उसको लगाते हैं ताकि रूम का दरवाजा खोलें और हाथ बढ़ाकर सबसे पहले स्विच ऑन करें तब रूम में एंटर कर पाए। तो इसलिए हम लोगों को पोजिशनिंग ऑफ स्विचेस भी आने चाहिए बींग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, हाइट एंड लैम्प, हाइट ऑफ लैम्प एंड साइज ऑफ लैम्प एंड फैन। ठीक है, हमें बल्ब का हाइट भी पता होना चाहिए, फैन का भी हाइट फ्लोर से पता होना चाहिए कि कितने हाइट पे लगाए जाते हैं, है कि नहीं। तो बल्ब का जो हम लोग अमूमन जो हाइट लेते हैं स्टूडेंट्स वो क्या लेते हैं, अच्छा मैं यहां पर बताना भूल गया, स्विच बोर्ड का जो हाइट लेते हैं फ्लोर से, फ्रॉम फ्लोर इट इज टेकन 1.5 मीटर। अच्छा फिर आप कहोगे 1.5 मीटर क्यों, तो मैं कहूंगा 1.25 भी ले सकते हो आप, 1.35 भी ले सकते हो एंड 1.5 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हाइट है 1.5। ठीक है, लेकिन बात करें अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल या नर्सरी की तो वहां पे 1.6 टू 1.8 हाइट पे हम लोग स्विच बोर्ड को इंस्टॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल और तुम्हारे नर्सरी में ये चांसेस होता है कि टेबल में या तुम्हारे बेड पर चढ़कर बच्चा कुछ मेटालिक आइटम डाल सकता है सॉकेट पे, उसे शॉक भी लग सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसका हाइट को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। या अगर बात करें कॉलेजेस या स्कूल्स की, आप अपने कॉलेज में अगर पढ़े होगे तो देखे होगे स्विच बोर्ड बड़े हाइट पे, तो वहां पे बच्चे बड़े शैतान होते हैं, हम भी शैतान थे, हमने भी बड़ा कांड किया है, पंखा वंखा का डायनामो ना सब टेढ़ा कर दिया था, तो वहां पे बच्चे बड़ा शैतान होते स्कूल्स में या कॉलेजेस में, बड़े स्कूल्स में, हायर स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो इसलिए वहां पे स्विच बोर्ड की हाइट को और ऊपर कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो है ना स्विच बोर्ड की हाइट को कितना रखा जाता है तो आपको बताऊंगा 1.8 रखा जाता है, 1.8 फ्रॉम फ्लोर, 1.8 मीटर फ्रॉम फ्लोर। उम्मीद है ये इतनी सारी बातें आपको मीटर का जो स्विच बोर्ड का जो इंस्टॉलेशन है, स्विचेस एंड सॉकेट्स का जो इंस्टॉलेशन है फ्रॉम फ्लोर, उसका हाइट पता चल गया होगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बिहाफ पर। आइए नेक्स्ट बात कर ले अपने हाइट ऑफ लैंप के ऊपर। तो अमूमन ये देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, अमूमन ये देखने को मिलता है कि किसी भी रूफ का जो हाइट होता है वो 3 मीटर का होता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं एक बल्ब को जो है ना 2.5 मीटर फ्रॉम फ्लोर पे
इंस्टॉल करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड हाइट है। ये अगर रूफ से देखें तो 0.5 मीटर बिलो फ्रॉम रूफ रखते हैं, ठीक है। और अगर फैन की बात करें तो फैन को जो है ना 0.5 से थोड़ा कम रखते हैं, 0.4 पे रखते हैं, ताकि जो बल्ब का हाइट हो वो नीचे हो और फैन का जो हाइट थोड़ा ऊपर हो, फ्रॉम सीलिंग है ना, जो बल्ब का हाइट है वो क्या हो, थोड़ा ऊपर हो और फैन का हाइट, बल्ब का हाइट थोड़ा क्या हो, ऊपर नीचे हो और फैन का हाइट थोड़ा ऊपर हो। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए कि फैन की जो है ना शैडो, फैन का जो शैडो फॉर्मेशन फ्लोर पे ना हो। अगर फैन नीचे रहता है और बल्ब का हाइट ऊपर है तो बल्ब का जो है ना शैडो फैन का बल्ब पे पड़ेगा और शैडो नीचे फॉर्म होगा ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फैन के हाइट को ऊपर रखते हैं और बल्ब का हाइट थोड़ा नीचे रखते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बल्ब होता है वो फ्रॉम फ्लोर कितना रखते हैं, 2.5 मीटर, एंड फैन रखते हैं 2.6 2.7 मीटर, इस तरह से। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप जो है ना बातों को समझ पा रहे हो अभी तक, जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल रन क्या है स्टूडेंट्स, और ये लैंप के नंबर जो है ना स्टूडेंट वो डिपेंड करेगा शेप एंड साइज ऑफ रूम पर भी। फैन का भी नंबर शेप एंड साइज ऑफ रूम के हिसाब से हम लोग रखते हैं। हॉरिजॉन्टल रन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल रन जो होता है, जो तुम्हारा दीवार है वर्टिकल दीवार, उस दीवारों पर आप देखोगे ऐसे करके जो है ना कंड्यूट रन किया है चारों दीवार पर। आप जहां बैठे हो उस रूम में भी आप नजरों को उठाकर देखोगे तो एक रन ऐसे दीवारों पर, चार दीवारी जो खड़ी दीवार है उन पे एक रन किया हुआ है। आप कहीं पे भी देखोगे तो जो उसका एक प्रॉपर हाइट है, फ्लोर से एक प्रॉपर हाइट पे ही रन हुआ है, तो उस प्रॉपर हाइट को हम लोग हॉरिजॉन्टल रन कहते हैं, ठीक है। और अमूमन उस हाइट को भी हम लोग 2.5 फ्रॉम फ्लोर रखते हैं, और सीलिंग से बात करें तो 0.5 मीटर बिलो द सीलिंग रखते हैं और उसी पे हम लोग हॉरिजॉन्टल रन करवाते हैं। तो इतने सारे बेसिक आइडियाज आपको आने चाहिए, दीज आर द बेसिक्स। इसके अलावा एडवांस आइडियाज और भी हैं बट दीज आर द बेसिक, कम से कम इतना बेसिक तो आना चाहिए तभी आप प्लान लेआउट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और बात करो रिक्वायर्ड एल्यूमिनेशन लेवल की, मैंने आपको पोजिशनिंग बता दिया, बात करो रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल की, तो इल्यूमिनेशन लेवल के बारे में आपको बता दो स्टूडेंट्स कि अगर डाइनिंग रूम है आपका तो वहां पे एवरेज अगर देखा जाए तो 200 लक्स की जरूरत होती है, ठीक है। किचन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 300 लक्स की अमूमन एवरेज एक जरूरत होती है। बेडरूम की बात करूं तो 250 टू 300 लक्स की जरूरत होती है बेडरूम में, है कि नहीं। बाथरूम की बात करूं तो 300 लक्स की जरूरत होती है। स्टेयर सीढ़ी की बात करूं तो 100 लक्स की जरूरत होती है। तो लक्स के हिसाब से नंबर ऑफ बल्ब आप लगाओगे ना, प्लान में अपना प्रोवाइड करोगे ना कि सीढ़ी है, अच्छा वहां पे भी एक बल्ब दे देते हैं, मतलब इतना लक्स की जरूरत है इसलिए ऐसे एक बल्ब लगा देते हैं, इतना में तो ये काम कर ही जाएगा क्योंकि सीढ़ियों में ज्यादा लाइट नहीं, 100 लक्स में काम चल जाता है। तो आपको लक्स के बारे में अलग अलग जो है ना नॉलेज होना चाहिए कि कितना इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेसेस पर, तभी तो आप प्लान लेआउट ड्रॉ कर सकते हो। यहां पे सारा आइडिया हम लोग देख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ प्लान लेआउट, प्लान लेआउट ड्रॉ करने के बेसिक आइडियाज, जिसमें हमने पोजीशनिंग देखा, हमने इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड लेवल देखा है डिफरेंट प्लेसेस, और बात करें नॉलेज ऑफ आईई रूल्स, आईई रूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन के क्या क्या आईई रूल्स हैं। जैसे रूल नंबर 54 आपको वोल्टेज डिक्लेरेशन के बारे में बताता है, 55 आपको फ्रीक्वेंसी डिक्लेरेशन के बारे में बताता है, आपका मीटर सीलिंग के बारे में बताता है, रूल नंबर 56 बताता है मीटर सीलिंग के बारे में, है ना, अर्थिंग के बारे में रूल नंबर 89 शायद बताता है, ठीक है। तो इस तरह से आईई रूल्स के बारे में भी आपको नॉलेज होने चाहिए जब आप प्लान लेआउट ड्रॉ कर रहे हो, तो ताकि कोई टेक्निकली मिस्टेक ना हो, और अंततः आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी पता चलना चाहिए। तो इतना आइडिया अगर है आपके पास स्टूडेंट, देन डेफिनेटली यू कैन ड्रॉ एंड आप प्लान लेआउट डेफिनेटली। सो स्टूडेंट्स अगर आप प्लान लेआउट ड्रॉ करना चाहोगे, इतना आइडिया अगर आपके पास आ गया है, तो आप एक प्लान लेआउट इजिली ड्रॉ कर सकते हो। आइए एक स्मॉल हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान लेआउट का जो है ना देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्लान लेआउट का, यहां पे मैं बना देता हूं एग्जाम्पल।
अच्छा मैं एक क्वेश्चन ही लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए, है ना। इसको पहले मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, है ना। चलो ड्रॉ क्वेश्चन है यहाँ पे, ड्रॉ अ प्लान लेआउट लेआउट ऑफ गिवन डायमेंशन ऑफ वन रूम एंड वन बारांदा, वन रूम एंड वन वारांदा। एक वन रूम वन वारांदा का आप प्लान लेआउट ड्रॉ करके दिखाएं। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मान लो आपके जो है ना क्वेश्चन में यू वन रूम वन वारांदा दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वन रूम और वन वारांदा दिया हुआ है। ठीक है, वन रूम एंड वन वारांदा। मान लो इसे मैं ले रहा हूं यहां से, आपके क्वेश्चन में इस तरह से दिए हुए रहेंगे प्लान लेआउट के लिए, 4x4 meter और ये वारांदा है 3x4 meter, ठीक है, वन रूम वन बरामदा, 3x4 meter, 4x4 meter। तो आपको इसमें प्लान लेआउट ड्रॉ करके दिखाना है स्टूडेंट्स। कैसे प्लान लेआउट ड्रॉ करेंगे, आइए फटाफट जान ले, हमें ये सारा आइडिया आता है, सब कुछ हमें पता है। तो प्लान लेआउट ड्रॉ कैसे करेंगे, तो ये 4x4 है, मतलब इसका लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 meter, ठीक है, और ब्रेथ क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ब्रेथ भी होगा 4 meter, होगा ना जी, ओके। अच्छा इसका ब्रेथ क्या होगा, तो 3 meter, और इसका लेंथ क्या होगा, 4 meter, जो भी मान लें लेंथ या ब्रेथ, 4x3 है ये, 4 meter, ओके। चलो इसे मैं यहां पे इसको जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए सेम आप जो है ना यहां पर बनाओगे, उसमें बीच में ये नहीं लिखोगे, है ना। तो मैं इसको इसी को रब करके इसका आंसर कर ले रहा हूं, ये क्वेश्चन में इतना दिया रहेगा, क्वेश्चन में इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। अच्छा और क्या दिए रहेंगे स्टूडेंट, तो ये दिए रहेंगे और कि ये वरांदा है, तो मान लो वरांदा जो है ना यहां पे गेट, मान लो वरांदा का, ठीक है, मान लो ये वरांदा का यहां पे डोर है, ठीक है, मान लो वरांदा ऐसे है, यहां पे डोर है, और मान लो कि यहां भी जो है ना एक डोर है रूम के लिए भी, यहां भी एक डोर है रूम के लिए भी, ठीक है। इस पे अब आपको प्लान लेआउट ड्रॉ करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे प्लान लेआउट ड्रॉ करने, तो आपको सबसे पहले मेन बोर्ड दिखाना होगा, तो मेन बोर्ड कहां लगाओगे, रूम में नहीं, तो बरामदे में लगाओगे, तो चलो बरामदे में ही कहीं पे लगा देते हैं। चलो मैं बरामदा में यहां पे एंट्रेंस के पास बाहर लगा दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको मेन बोर्ड लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो मेन बोर्ड में क्या क्या आते हैं, तो मेन बोर्ड में आएगा आपका एनर्जी मीटर, है ना, और दूसरा कंज्यूमर मेन बोर्ड, है ना, जिसमें फ्यूज रहेगा, न्यूट्रल लिंक रहेगा, इसको कंज्यूमर मेन बोर्ड, है ना। चलो MB लिख दे रहा हूं, मेन बोर्ड ही लिख दे रहा हूं, कंज्यूमर मेन बोर्ड है, ठीक है। तो ये दो आपने लगा दिए, है ना, बाहर लगा दिए, एनर्जी मीटर और कंज्यूमर मेन बोर्ड। अच्छा ये आपका क्या है, हम लोग प्लान लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ये है आपका वरांदा। तो वरांदे में क्या देना होगा आपको, तो वरांदे में जो है ना आपको एक फैन दे दीजिए यहां पर बीचों बीच, और लाइट होना चाहिए ना यहां पर, तो चलो एक यहां पर ट्यूबलाइट दे देते हैं, लाइट का व्यवस्था भी होना चाहिए, ट्यूबलाइट दे दिया हमने, ट्यूबलाइट दे दिया ना। चलो यहां पे एक चलो बल्ब लगा दिया हमने, और यहां भी एक बल्ब लगा दिया, ठीक। चलो ये आपका रूम है स्टूडेंट्स, रूम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 4x4 है, एक फैन से काम चल जाएगा, क्योंकि शेप एंड साइज के हिसाब से हम लोग रूम तय करते हैं। तो रूम में जो है ना हम लोग यहां पर बीचों बीच में क्या दे दे रहे हैं, एक फैन दे दे रहे हैं, दे दिए ना। अच्छा हम यहां पर भी एक ट्यूब दे दे रहे हैं, क्योंकि इसी दीवार पर इधर ट्यूब लगा है, तो यहां पर भी एक ट्यूबलाइट लगा देते हैं, ट्यूबलाइट, ठीक। यहां एक बल्ब लगा देते हैं स्टूडेंट्स, और यहां भी एक बल्ब इधर भी लगा देते हैं, ठीक है।
और ये जो एक दो तीन चार पॉइंट ऑपरेट हो गए, इसके लिए एक तुम्हारा स्विच बोर्ड देना ना होगा। तो चलो यहाँ पे SB लिख देते हैं, यहाँ पे SB1, और यहाँ पे भी स्विच बोर्ड देना ना होगा, दे दो SB2। ठीक, स्विच बोर्ड पे एक सॉकेट लगा देते हैं, तो ये सॉकेट का सिंबल, और यहाँ पे भी एक सॉकेट लगा देते हैं, 5 एम्पियर सॉकेट का सिंबल हमने लगा दिया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करो, मेन बोर्ड से सिंगल लाइन डायग्राम खींचकर आप स्विच बोर्ड में दे दो, ऐसे करके सिंगल लाइन डायग्राम, और यहां से जो है ना इस तरह से बल्ब दिखाते हुए, क्योंकि कंड्यूट से रन कर रहा है ना स्टूडेंट, सब में कॉमन रन करेगा, यहां से आते हुए यहां से करके यहां इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा, इस स्विच बोर्ड 1 से स्विच बोर्ड 2 में पावर आएगा, और यहां पे इसको बल्ब में जाएगा, बल्ब से तुम्हारा ऐसे करके सिंगल लाइन डायग्राम से दिखाएंगे हम लोग, है ना। इसके अंदर फेज न्यूट्रल वायर तो अपना जैसे चलना है चलेगा ही, लेकिन हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन डायग्राम से। ये हो गया, दिस इज योर प्लान लेआउट। इसमें नेमिंग कर दो स्टूडेंट्स, ये मान लो कि फैन 1 है तो ये फैन 2 है, ये SB1 SB2 हमें दिखा दिया, सॉकेट 1 सॉकेट 2 भी है यहां पे, ये बल्ब 1 है ना, बल्ब 2 है, ये बल्ब 3 है, ये बल्ब 4 है। ठीक, ये ट्यूब 1 है, ये ट्यूब 2 है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए इसका लेंथ दिखा दो यहां से, इसका लेंथ है कितना, 2 मीटर। ठीक है, इसका लेंथ दिखा दो इधर से, कि मान लो ये कितना है, 3 है ना, तो मान लो ये 1 मीटर पे इंस्टॉल्ड है, ये दोनों अगल बगल इंस्टॉल्ड होते हैं, अगल बगल इंस्टॉल्ड होते हैं, इसलिए 1 मीटर पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, चलो इसका भी लेंथ दिखा सकते हैं इधर से, 2 मीटर। ठीक है, और ये भी इधर से 2 है ना, यहां पे दिखा दे रहा हूं, 2 मीटर। चलो उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा छोड़ दो इसको, ये 2 मीटर पे है इतना समझो। तो ये क्या है आपका प्लान लेआउट है स्टूडेंट्स। आप जो है ना वर्क परफॉर्म करने से पहले, इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुरू करने से पहले ये प्लान लेआउट ड्रॉ करोगे ना, सो दिस इज योर प्लान लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आप सब जो है ना प्लान लेआउट के बारे में समझ पाए होंगे। अभी तक हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक देखा कि प्लान लेआउट कहते किसे हैं, फिर हमने प्लान लेआउट को डिफाइन किया, फिर हमने जाना कि प्लान लेआउट ड्रॉ करने के लिए क्या क्या आइडिया होने चाहिए। उन आइडिया में हमने देखा पोजिशनिंग, अब पोजिशनिंग के अंदर हमने देखा मेन बोर्ड का पोजिशन, स्विच एंड सॉकेट्स का पोजिशन, लैंप और साइज का पोजिशन, लैंप और फैन का हाइट एंड पोजिशन, है ना, हॉरिजॉन्टल रन, इन सब चीज के बारे में हमने गहन चिंतन किया, है ना, अच्छी खासी एक हेल्दी डिस्कशन किया इसके बारे में, सबको हमने डेटा वाइज भी आपको बताया। ठीक, उसके बाद हमने बताया रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल डिफरेंट रूम्स के ऊपर, फिर हमने आपको IE रूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फिर कस्टमर का कुछ रिक्वायरमेंट के बारे को आपको कंसिडरेशन में रखने चाहिए, इतने सारे आइडियाज को हमने देखा, और लास्ट में एक एग्जाम्पल को भी देखा, इस क्वेश्चन का के ऊपर हमने प्लान लेआउट ड्रॉ कर लिया। अब इस प्लान लेआउट को लेकर जाएंगे और ये रूम इस वारंदा में वायरिंग परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो प्लान लेआउट है ना एक की, इट इज अ की फॉर एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अब कभी गलती होगा क्या, नहीं होगा, बल्ब लगाना सब लगाना सब हम लोग पहले से तय कर चुके हैं, ये सब हाइट वाइट पहले से हम सब कुछ पता है। सो दिस इज नोन एज योर प्लान लेआउट। ओके स्टूडेंट्स, सो उम्मीद है आप जो है ना प्लान लेआउट को समझ पाए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन के नेक्स्ट क्लासेस में। Thank you very much.